गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज डे 5 ऑफ आवर राइड. शक्ल से दिख रहा है जस्ट अभी उठा हूँ एंड द आईज आर अ लिटिल बिट स्वॉलन क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा पूरी नहीं हुई है. स्लेप्ट एट अराउंड 1:32 AM एंड वोक अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग. सो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लीप डिप्राइव्ड हूँ आज, बट मोटिवेशन बहुत तगड़ी है आज राइड करने की. वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू गोवा टुडे. सो 6:15, 6:30 दैट्स द टाइम वी आर टारगेटिंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर. और प्लान ये है कि यहाँ होटल से जो विले पार्ले में है विल स्टार्ट ऑफ एंड गो टू नवी मुंबई वेयर वी आर मीटिंग वन ऑफ सुबित्स फ्रेंड. ही इज होस्टिंग अस फॉर ब्रेकफास्ट एंड फ्रॉम देयर विल स्टार्ट आवर जर्नी टू गोवा. सो दैट्स अबाउट 550 or 540 kilometers फ्रॉम हेयर. दिस इज माई न्यू हाइड्रेशन बैग. इसकी मेरे को बहुत ज़्यादा जरूरत लगी. मैंने पहली बार खरीदा है ओजियो का. होपफुली ये हेल्प करेगा फॉर मी टू रिमेन हाइड्रेटेड. अभी आते समय आई वॉज फीलिंग वेरी थर्स्टी इवन वेन वी आर डूइंग 1 hour स्प्रिंट्स ऑफ अबाउट 100 kilometers. सो बीच में वाटर सिप इन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली वेन द वेदर गेट्स वार्मर. ये रहे हमारे सैडल बैग्स एंड टॉप बॉक्स. दैट्स अ गियर. बस ऑलमोस्ट रेडी है सामान को अंदर डालना है एंड वी शुड बी रेडी टू गो. चलो भाई लेट्स गो. Go Goa gone. Go Goa going. Yes. ऐसा लगा मेरे को लोधी रोड में आ गया मैं थोड़ा सा. मिस्टर लोबो के घर जाना है हमने. ये रहा लेफ्ट. मिस्टर लोबो इज हियर. हाय जसवीन. हाय. What is cooking? अकेले क्या खा रही हूँ. A few moments later. लगा भाई स्टैंड पे. लगाओ स्टैंड पे. काफी हल्की बाइक है, काफी आराम से लग जा रही है. Let me do the shot. 1 2 तुषार योर टर्न. सही में वो नेट. ओह चलो मैं लग गई. माय टर्न. माय टर्न. टाइगर टाइगर है भाई. माय टर्न. हल्के में नहीं लेने का. बेइज्जती नहीं होने का रे मामा. और मेरी भाई नाउ प्लास्टिक. प्लास्टिक जल्दी हो जाएगा. So guys, the breakfast is done and the time is 8 AM. We spent a good 1.5 hour here. Delicious breakfast. Loved it and it's time to move on. Neat, thank you for the breakfast. And come to Ladakh with your tiger man when you get it. Ladakh to aoge. Ladakh is the holy place to worship, right? Aana padega tiger leke. Come over. Take care. Thank you. बेहतरीन सनराइज. और मुंबई, नवी मुंबई की सड़कों से बाहर निकलते हुए थोड़ा पीछे रह गया हूँ मैं इस ट्रैफिक में. आगे बढ़ाते हैं बाइक को क्योंकि GPS लगाया नहीं हुआ आफ्टर जो फोन का डिजास्टर हुआ है. सो गाइस दिख गई है डेस्टिनेशन पुणे गोवा. सीधा इधर ही चलने का है अपुन को. आई थिंक यही रास्ता पकड़े हैं और आगे बढ़े. पहली बार दिख रहा है गोवा ऑन द साइन बोर्ड्स. भाई लिटरली स्पोक ही निकल गया है ही नहीं. पै छेद है वहां पे. पिरोया नहीं हुआ उसमें कुछ. जर्मनी से है ये. विदाउट स्पोक्स पीको आता है ये. हर 2 महीने में एक स्पोक अपना गिरवा देते हैं. ये सर्विस सेंटर आ जाओ. पुणे की तरफ प्रस्थान करते हुए सभी लोग. और ये पहाड़ियां आ गई हैं फिर से. छोटी छोटी पहाड़ियां यहाँ की भाषा में इन्हें बोलते हैं घाट्स. सो पंगा लग रहा है कि हम लोग इस एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए हैं और इस पे वी आर नॉट श्योर बाइक्स अलाउड है कि नहीं. ये दिल्ली NCR जैसा नहीं है कि कहीं भी बाइक ले जाओ, बट इधर तो चलान ना हो जाए यार सारी बाइक्स का एक साथ. मुझे इधर लग रहा है. मैं कह रहा हूँ वीराना पिक्चर में जो पहाड़ दिखाते हैं काली पहाड़ी वाले वो ही नहीं है ये. स्पोक्स
स्पीड लिमिट यार 50-60 कैसे दिखा सकता है एक्सप्रेसवे पे, मुझे समझ नहीं आया। कोई देखो 50 लिखी हुई है स्पीड लिमिट यहाँ पे, और हम लोग चल रहे हैं 117-118, और हम नहीं बाकी सब लोग भी ऐसे ही चल रहे हैं, गाड़ियाँ हों ट्रक्स हों, 50-60 किलोमीटर बढ़िया कवर कर रहे हैं आई थिंक सो। अभी हम लोग पुणे क्रॉस कर रहे हैं, और पुणे क्रॉस करने के बाद देखो 850 किलोमीटर्स दिख रहा है बैंगलोर। हमने अभी टोटल सुबह से लेके अराउंड 150 किलोमीटर्स करे होंगे, तो गोवा स्टिल अभी 350-400 किलोमीटर तो मिनिमम होने वाला है। न्यू कटराज टनल, अबे यार गॉगलों का पंगा। आई टू कटी ये काफी अच्छी खासी टनल है, लंबी सी एंड वेल लेड आउट एज वेल। 350 किलोमीटर है यहाँ से चुरला घाट, एंड वहाँ से गोवा शुड बी क्लोज इनफ। डिसाइड ये किया है कि जो क्लोजेस्ट खाने की जगह मिलती है वहाँ कुछ खाते हैं। भूख तो लगी रही है बहुत तेज़, क्योंकि अर्ली ब्रेकफास्ट था 7:30 एंड 12:15 हो गया टाइम। A few moments later. चलो जी लंच हो गया है, लस्सी, फ्रूट्स, तंदूरी नान, दाल, आलू जीरा एंड अ कपल ऑफ ओरियो बिस्किट्स। ये सारा खाना पेल के पेट एकदम भर चुका है, तो अब इंटरकॉम पे बातें करते हुए बाइक चलानी पड़ेगी, नहीं तो कोई चांस नहीं है। अदरवाइज नींद आनी बहुत तगड़ी। सो आगे पहुंचते हैं उन लोगों के पास, और हाईवे देखो शानदार, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल दिखा रहा है ना, वो दिखा रहा है 7:00 टू आर एकोमोडेशन इन नॉर्थ गोवा समवेयर। तो अच्छी खासी 5-6 घंटे की राइड बची है, बट बारिशों के टाइम में आई थिंक दिस प्लेस वुड लुक ऑसम विद ऑल द ग्रीनरी अराउंड। बहुत ही सुपर फ्रेश फीलिंग आती होगी इधर राइड करने में। रोड भी देखो क्या बढ़िया रोड है यार, एकदम क्या बोलने से 3-lane रोड है राइट, और वो भी वन साइड, नो टेंशन ऑफ ऑन कमिंग ट्रैफिक। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये कितना डिफरेंट है हमारे वाले पहाड़ों से, तो वन वे है पूरा, मतलब कोई बस वाले को बैवे भी नहीं करनी, जगह है कि नहीं, खेचे जाओ पूरा सही है। फुल कॉन्सेंट्रेशन मोड में चलते हुए डिफरेंट टाइप के पहाड़, ओब्लिक घाट है ये, यहाँ पे इन्हें घाट कहते हैं, हम लोग इन्हें पहाड़ कहते हैं। हमारे यहाँ घाट को कहते हैं नदी का किनारा, और यहाँ घाट को कहते हैं पहाड़। तो यही है फर्क हमारी पहाड़ की सभ्यता में। सो इधर के पहाड़ों में डिफरेंस पता है क्या है, ये लेयर्स में नहीं है ज़्यादा, ऐसे एक रेंज चल रही है और सिंगल सिंगल पहाड़ दिख रहे हैं। अगर आप यही नॉर्थ इंडिया में जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हमें लेयर्स दिखती हैं, इसके पीछे एक और, के पीछे एक और, के पीछे एक और रेंज, और ऐसे करते करते आप कालका से शिमला पहुँच जाते हो, या देहरादून से मसूरी पहुँच जाते हो। अब यही है फ़ायदा देख लो क्रूज़ कंट्रोल का, ऐसी रोड पे जहाँ 95 ईजिली मेंटेन हो रहा है विदाउट हैंडल बार टच करे। हल्का सा टच करना पड़ता है जब ऐसा लगता है ट्रैफिक आ रहा है आसपास थोड़ा, बट हाथ छोड़े हुए हैं, हाथ एकदम रिलैक्स कर रहा हूँ। नीचे पैर देखो अपने फुटपेक्स के पीछे लटकाए हुए हैं, जिससे वो जो कॉन्स्टेंट नी पे प्रेशर पड़ता है ना पैरों को इस पोजीशन में रखने का, वो हट जाए। देखो स्ट्रेच कर रहा हूँ थोड़ा सा पैरों को, जिससे ब्लड फ्लो मेंटेन रहे, थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो जाए। अब ये सारी चीज़ें करने की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा चौथा दिन है आज राइड करने का। प्लीज बाय प्लीज बाय प्लीज बाय प्लीज बाय प्लीज बाय प्लीज ओके बाय प्लीज। सो भाई ये वाली बाइक पे जा रहे हैं हम आगे, टाइगर को यहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि अपेरेंटली टाइगर बहुत ज़्यादा तेल पी रही है, और ऊपर से पता नहीं आजकल रेट का क्या हो गया पेट्रोल के, 80 क्या चल रहा है पेट्रोल का रेट, 93 96 का है पावर, भाई साहब 96 रुपीज़ लीटर, बहुत ज़्यादा पेट्रोल पी रही है टाइगर। 21-22 की माइलेज आ रही है, स्प्लेंडर पे होते तो 80 की आ रही होती। अब यहाँ से स्प्लेंडर ही कर लेनी चाहिए। तो वी हैव एंटर्ड कोल्हापुर, एंड कोल्हापुर वही वाली जगह है जहाँ की कोल्हापुरी चप्पलें बड़ी फेमस हैं,
तो ट्रैफिक देखो फिर से पड़ गया है। सो गाइस एक और ब्रेक लिया, 135 किलोमीटर अभी रहते हैं, चाय पी ली है और ये है हमारा एनर्जी सोर्स ओरियो, इसके एक दो बिस्किट खा लेते हैं तो बढ़िया लगेगा, और इसको खाने का तरीका तो पता ही आपको। गिल लोग, इज दिस कर्नाटका? सूरज हमारे पीछे आ चुका है, आंखों में कोई चौंध नहीं पड़ रही है, मौसम एकदम रात चांडूस हो चुका है, बगाइए। और पीछे से आ रही डुकाटी मल्टी स्ट्राडा, तो एक और स्टेट हमने टच कर ली, स्टार्टिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, गोइंग टू दिल्ली, देन टू राजस्थान, देन मुंबई, देन कर्नाटका। अब कर्नाटका में से थोड़ा सा निकल के जाएंगे और उसके बाद चुरला के थ्रू होते हुए आई थिंक वापस महाराष्ट्र में एंटर कर जाएंगे, गोवा में एंटर कर जाएंगे। तो लेट्स सी कैसा रहता है रूट, 125 किलोमीटर्स रहते हैं। छोटा कर्नाटका काफ़ी ज़्यादा सदर्न पार्ट में है इंडिया के, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है हमने, कंसिडरिंग वे आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, तो अच्छी खासी राइड हो चुकी है, इजिली अराउंड 2100 किलोमीटर्स क्लॉक हो चुके हैं इस राइड के। बड़े हाईटेक से यार बस स्टेशन हैं, डिजिटल बोर्ड्स लगे हुए हैं, क्या बात है यार। मंद मंद ठंडी हवा के झोंके लग रहे हैं कर्नाटका की, एकदम से फ्रेश लग रही है हवा भाई यहाँ की, पता नहीं क्यों। गोवा स्टेट में एंट्री हुई है, कर्नाटका छोड़ के एग्जिट हुआ है। आग लगी, अग्निशामक उस दल को बुलाइए, फॉरेस्ट रिजर्व वाला एरिया जो कह रहे थे ना, जहाँ पे लाइट नहीं है, देख लेना कोई चीता भी ताना निकला है कहीं से, हम तो बच जाएंगे, हमारे पास टाइगर है। देखिए ऐसी जगह पे राइड करने का माहौल देखते ही बनता है दोस्तों। सनसेट वाले टाइम पे ना मजा आ जाना था यहाँ पे, कोई बात नहीं, बहुत लोगों ने दिन में किया, हम रात में कर रहे हैं, देखो ये भी एक हाईलाइट है। मैंने घुमा लिया, आ जाओ इधर एक दुकान पे रोके, ये मिल्की बार जैसी होती है? और चिप्स दिखाओ, चिप्स एक मिनट, ले रहे हैं यहीं खड़े होकर सारे खा रहे हैं। बेड़ची बेड़ची आगे आएगा, दौड़ा मार, उधर से वो बाउंड्री स्टार्ट, दौड़ा बाव, दौड़ा मार्ग, दौड़ा मार्ग, अच्छा 8-9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर वहां से रोड सही है, सही है 6 किलोमीटर से सही है। ओके सर, चलो भाई मीठा खा के जान आ गई भाई, थोड़ी शुगर शॉट। सो दिस इज इट, दिस इज द फाइनल टोल गेट, एंड नाउ वी आर इन गोवा। बस यहाँ से हमें अपना होटल तक का रास्ता देखना है। यो बॉयज, दिल्ली टू गोवा 2300 किलोमीटर्स, Damn it! Whoa! कर दिखाया 2300 किलोमीटर्स वन साइड, आयरन बट चैलेंज हो गया, बट मजेदार जगह लग रही है।